हाँ जी दोस्तों, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया YouTube शॉर्ट्स मनी मेकिंग सीरीज के बारे में, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने सेकेंड वीडियो में बताया कि भाई कैसे आप शॉर्ट्स से किन किन तरीकों से पैसे कमा सकते हो। तो ये फर्स्ट वीडियो एंड ये सेकेंड वीडियो जाके जरूर देख लेना चैनल पे वीडियो सेक्शन में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये ब्लूप्रिंट कैसे काम करने वाला है, ठीक है। मतलब कि कैसे आप पूरे पैसे अर्न करने वाले हो, और हम लोग जो मेथड फॉलो करने वाले हैं शॉर्ट से अर्निंग करने का वो है एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, तो पूरा ब्लूप्रिंट मैं अभी आपको बताऊंगा, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में आपको मैं डीप जाके बताऊंगा कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए। या उसमें कुछ एडिशन होगा तो वो भी मैं ऐड करके आपको बताऊंगा। ओके, नए मेहमान हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दो। तबीयत खराब है, थोड़ा गले में खराश है, उसके लिए एक लाइक बनता है, वीडियो शूट कर रहा हूँ। ओके, तो वो तो लाइक बन करके ही जाओगे, आई नो। तो अब देखो सीधा बोर्ड पे आते हैं, और जो लोग फर्स्ट टू वीडियोस नहीं देखे हैं, फर्स्ट टू वीडियोस, तो ये वीडियोस भाई जाके देख लेना, बहुत IMP वीडियोस हैं, ये वाली और दूसरी ये वाली, ठीक है। वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी, जाके देख लेना। ओके, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हम लोग सीधा यहाँ बोर्ड पे आ जाते हैं और बोर्ड पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार की अर्निंग कर सकते हो आप, तीन प्रकार की, ठीक है, जो किसी ने आपको नहीं बताया होगा यूट्यूब पे, मैंने आपको सेकंड पार्ट पे बताया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तो यही हो गया, यहाँ से हम लोगों ने एक वे को चुन लिया, ठीक है, वन वे को चुन लिया, वन वे, इसको मैं कर देता हूँ एफिलेट, ठीक है, एफिलेट। और हम लोग इसी के ब्लूप्रिंट की बात करने वाले हैं, एफिलेट हम लोग पूरा कैसे करने वाले हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है नीश सिलेक्शन, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था कि आप खुद ही तय कर लीजिए, राइट। लेकिन बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि सर आप हमें नीश बताइए, नीश बताइए। तो मैंने यहाँ कुछ नीश रखा हुआ है जो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज यहाँ कुछ ऐसे नीश है जिसमें लोग कन्फ्यूज हैं, और किसी में लोग कह रहे हैं कि सर ये नीश काफ़ी अच्छा है, इस पे आप बताओ या उस पे बताओ। तो मैं हर नीश को क्लियर करूँगा, ठीक है, कि कैसे कौन सा नीश प्रॉफिटेबल है और कौन सा प्रॉफिटेबल और कौन सा प्रॉफिटेबल नहीं है। ओके, तो वो चीज़ मैं क्लियर करूँगा। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका नीश ही है, ठीक है, नीश आपको सही से सिलेक्ट करना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ नीश, ठीक है। सेकेंड जो चीज़ होने वाली है नीश के बाद, वो आपका होने वाला है कि आप उस नीश में किस प्रकार के प्रोडक्ट्स को लेते हो, राइट। हर नीश में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक। मनी मेकिंग में अगर आप जाते हो, मनी मेकिंग में, तो वहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके सब्सक्रिप्शन होते हैं, और बहुत सारे ऐसे कोर्सेस होते हैं जिनकी मंथली पेमेंट भी होती है और जो एक पेमेंट में भी आपके पास आ जाते हैं। ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स में भी होता है कि जिसमें आपकी मंथली सब्सक्रिप्शन भी होती है और किसी एक पेमेंट में भी आप किसी सॉफ्टवेयर को खरीद सकते हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी एक पर्टिकुलर नीश में। ओके, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करना है, प्रोडक्ट सिलेक्शन। अब इसके बाद जब आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन कर लिया, आपने नीश तय कर लिया पहले ही, फिर उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन कर लिया, देन इसके बाद आपको क्या प्रिपरेशन करना है, आपको प्रिपेयर करना है उसके लिए लैंडिंग पेज और प्लस फनल, ठीक है। लैंडिंग पेज, इसको एल लिख देता हूँ मैं, लैंडिंग पेज को, और प्लस फनल, ठीक है, फनल, ये हो गया एल, ये हो गया एफ। अब देखो लैंडिंग पेज फनल मैं सब बताऊंगा आपको आने वाली वीडियोस में डीप में, बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। अब लैंडिंग पेज तो आपका फ्रंट का हो गया, वो भी बनाना बताऊंगा कि कैसे लैंडिंग पेज बनता है। उसके बाद जो फनल, फनल आपको ऑलवेज पता है कि तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसमें, और जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ब्रिज पेज, राइट, ठीक है। ब्रिज पेज सबसे पहला आपका वही आस्क पेज, फिर उसके बाद ये आपका ब्रिज पेज, और फिर उसके बाद आपका थैंक यू पेज, ठीक है। तो ये जो पेज है ना, ये जो बीच वाला पेज है, ब्रिज पेज, मेन पेज यही होता है फनल में, जो भी सिंपल फनल, नॉर्मल फनल्स की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल फनल होते हैं ना, वो इन तीन पेज में ही ख़त्म होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो ये जो ब्रिज पेज है, यही आपका मेन गेम होगा, यहीं से आपका जो बायर है वो कन्वर्ट होगा या तो वो बाहर जाएगा,
ओके लास्ट पेज में आप अपना वही फॉर्म लगाते हो ईमेल वाला, और कई बार लोग नहीं भी रखते, सीधा सिंपल प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं ओके। और थैंक यू पेज में वही भाई थैंक यू आपको वहाँ पर पेज मिलेगा एंड ऑल द थिंग, आपको पता है थैंक यू का मतलब, तो थैंक यू पेज। तो ये होता है फनल, एक सिंपल फनल। हो सकता है मैं आपको जो जो भी मतलब कि बताऊँ, जैसे कि कोई सा भी प्रोडक्ट बताऊँ, तो वो प्रोडक्ट का जो फनल है वो हम 3 पेज का नहीं 4 पेज का बनाएं, या उसमें कुछ ईमेल सीक्वेंस ऐड करें, बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंज भी हो सकती हैं, बट ये 3 चीज़ होने वाले हैं फनल। तो ये फनल के बारे में आपको स्टडी, ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आपको स्टडी करना है पहले से ही, अभी से स्टडी करना स्टार्ट कर देना है। देखो सिर्फ एक वीडियो या एक कोर्स आपकी लाइफ नहीं चेंज कर पाएगा, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी सक्सेस नहीं मिलने वाली। कोर्सेस वीडियोस आपको बूस्ट करने में, मतलब कि आपको पुश करने में मदद करती हैं ओनली, नॉलेज देके जो करना है वो आपको करना है, आपके हाथ में। देखो मुझे बहुत सारे लोग ना क्वेश्चंस करते हैं इंस्टाग्राम पे कि सर आप मुझे बताएं, हाँ पहले आप सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लो भाई, अगर यहाँ तक वीडियो देख लियो तो, मतलब कि आप इंटरेस्टेड हो एफिलिएट मार्केटिंग में, ठीक है। नए मेहमान सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दो और इस वीडियो कर दो लाइक, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है और बिल्कुल फ्री है यार, क्या जाता है। मैं यहाँ पर रात में, कितना बज रहा है यार, 2 बज रहा है, तबीयत खराब है, वीडियो शूट कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो 2 बज रहा है, 1:58, 2 मिनट बाकी है 2 बजने में, तो लाइक तो कर ही सकते हो। हाँ तो हम लोग क्या बात करें, हाँ इंस्टाग्राम पे आके बोलते हैं सर मैं आपका कोर्स खरीद लूंगा तो मैं बहुत पैसे कमाने लगूंगा, कितने दिन में पैसे कमाने लगूंगा सर, मैं कितने पैसे कमा पाऊंगा मंथली, मैं कैसे बताऊँ मेरे भाई मेरे लाल। एक तो पहले तो तुम ग्रीडी हो, ठीक है, तुमको नॉलेज और प्रोसेस पे भरोसा ही नहीं है, सबर नहीं है, ठीक है, तो लोगों में ना पेशेंस नहीं है, लोग इज लाइक कि मैजिक है कोर्स लिए तो, मैजिक कोर्स लिए तो मैजिक नहीं। मैंने लाखों रुपए के कोर्स लिए हैं, बहुत कोर्स लिए हैं, बहुत सीखा है, तब जाके कुछ कुछ आया है, और इवन अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी जो बड़े बड़े कोर्सेज लॉन्च होते हैं मैं सोचता हूँ कि वो मुझे लेने हैं, राइट, जो उसमें थोड़ा सा, आपको पता है लियम जेम्स के अभी 1 साल पहले कोर्स लॉन्च किया था, बड़ा मार्केटर है, काफ़ी चीज़ें उसने बहुत शॉर्ट पीरियड में सीखी है, $400 कुछ कोर्स लॉन्च किया था उसने, मैंने उस कोर्स को लिया था, क्यों, क्योंकि मुझे उसमें अनोखा चीज़ दिखा था, नेटिव ऐड मैंने वहीं से जाना था और सीखना स्टार्ट किया था, तो उसमें एक नेटिव ऐड का कोर्स उसने अपने दोस्त का ऐड किया था, वो चीज़ लेने के लिए मैंने उसको उतना पे किया, उस कोर्स को लिया, नेटिव ऐड वहाँ से सीखा थोड़ा थोड़ा, अभी भी सीख रहा हूँ। तो भाई अपग्रेड करना पड़ता है लाइफ में, मैं नहीं बता सकता कि कल आपको पैसा मिलेगा, परसों मिलेगा, नर्सों मिलेगा, जैसों मिलेगा, नहीं, जब तक आपके में पेशेंस नहीं है, जब तक आपके में ये माइंडसेट नहीं है कि मुझे करना है एनी हाउ, मैं अपने दम पे करूँगा, मतलब अपने दम पे मतलब लर्निंग करूँगा उसको कैसे करना है, मैं हमेशा उसके बारे में सोचूंगा कैसे अपग्रेड करना है, कहाँ से नॉलेज, सिर्फ कोर्सेज से नॉलेज मत लो, हर जगह से नॉलेज लो, फ्री में मिल रही है वहाँ से लो, ब्लॉग से मिल रही है वहाँ से लो, कोई और कोर्स दिख रहा है लग रहा है कि भाई वहाँ पर भी नॉलेज है वहाँ से लो, नॉलेज लोगे तो गेम बनेगा, नॉलेज इज द पावर, राइट। तो कोई एक कोर्स, कोई एक हैक या कुछ भी आपको लाइफ में अपग्रेड नहीं कर सकता, बट हाँ हर चीज़ आपको मदद करती है। आपने घर देखा है, घर किसी एक ईंटे पे नहीं तैयार है, किसी एक ईंटे पे पीछे वाली दीवार नहीं खड़ी है, हर छोटी छोटी ईंटें मिलके एक बड़ी दीवार का निर्माण करती हैं, वैसे हर छोटा छोटा नॉलेज, हर जगह से उठाया हुआ नॉलेज एक बड़ा नॉलेज बनाएगा जो आपको लाइफ में विन कराएगा, जो आपको एफिलिएट मार्केटिंग में विन कराएगा। तो मेरे दोस्तों अगर आपका माइंडसेट सही है तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने पास, मेरे पास आओ, मैं 24/7, जब मुझे कोई मैसेज आता है ना मेरे मोबाइल पे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये नहीं आ रही, मैं रिप्लाई करता हूँ, जितने भी लोग हैं यहाँ वो बताओ भाई कमेंट में, करता हूँ कि नहीं, चाहे आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, चाहे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, इफ़ आई एम फ्री आई एम ऑनलाइन देयर, मैं देखता हूँ, वॉइस मैसेज करता हूँ, टाइपिंग करके करता हूँ, बिकॉज दिस इज़ माई सपोर्ट, दिस इज़ माई वर्क, ये मेरा सपोर्ट करने का तरीका है, मैं खुद हैंडल करता हूँ ये सारी चीज़ें। तो वो माइंडसेट है अगर आपके पास कि सीख कर कुछ बड़ा करना है, पेशेंस रखना है, तब मैं आपको वेलकम करता हूँ, मैं आपको गाइड करता हूँ, हर चीज़ के लिए रेडी हूँ, बट आपको एक अच्छा इंसान के जैसे बिहेव करना होगा, अच्छे से काम करना होगा, ये जो है ना यहाँ का पावर यूज़ करना है, माइंडसेट। जब तक माइंडसेट सही रहेगा तब तक आप बड़े से बड़े ड्रीम को अचीव कर सकते हो। सॉरी इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बोल दिया, लेकिन इम्पॉर्टेंट था कि लोगों का माइंडसेट सही सुधरे, क्योंकि नॉलेज इज द पावर, जब तक आपके पास नॉलेज सही नहीं है तब तक, राइट। तो नॉलेज इज द पावर, हर चीज़, जो चीज़ मैं प्रॉमिस करता हूँ वो मैं डिलीवर करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन डिलीवर होती हैं चीज़ें, राइट। तो भाई अगर लाइफ में कुछ करना है तो नॉलेज पावरफुल बनाएगा आपको, नॉलेज लेते रहो, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका पूरा
यहाँ पर फनल की बात। अब फनल के बाद जब आपका ये पूरा बैकअप प्लानिंग हो गया है, तो अब देखो यहाँ से आपका जो मेन चीज है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च रिसर्च, अब मार्केट रिसर्च है ये। अब मार्केट रिसर्च में आप क्या करोगे, आप जाओगे डिफरेंट डिफरेंट आईडीज पे जो आपके जैसा काम कर रहे हैं, देखोगे उनका कौन सा सक्सेसफुल कंटेंट है, कौन सी चीज़ें हैं जो उनको सक्सेसफुल बना रही हैं, पूरा एनालाइज करेंगे हम लोग साथ में। इसकी वीडियोस आएंगी, ये सारी चीज़ों की वीडियोस आएंगी, डोंट वरी। अब हम लोग पूरा एनालाइज करेंगे कि कौन सी चीज़ें उनको विन करने में मदद कर रही है, कौन सी चीज़ें विन करने में नहीं मदद कर रही। यू नो मिस्टर बीस्ट, मिस्टर बीस्ट जो है वो अभी 6 करोड़ के आसपास उनके सब्सक्राइबर हैं, एंड बहुत बड़ा नाम है यूट्यूब वर्ल्ड में मिस्टर बीस्ट। आई थिंक आपको पता भी नहीं होगा, हो सकता है, ठीक है। तो मिस्टर बीस्ट टॉप का एक यूट्यूबर है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए उसने आज तक कमा लिया होगा यूट्यूब से। रेवेन्यू से नहीं बोल रहा हूँ, बाकी और भी स्पॉन्सर एंड ऑल द थिंग, लेकिन करोड़ों रुपए उसने सिर्फ रेवेन्यू से कमाया। 6 करोड़ सब्सक्राइबर है उसके, वो एक एक करोड़ रुपए बांट देता है अपने वीडियोज में, आप अगर उसकी वीडियोज देखोगे तो, ठीक है। क्यों मैं बता रहा हूँ ये चीज़, जब आप उसके चैनल पे जाओगे ना, तो उसके वीडियोस के थ्रू कई लोगों ने अपना चैनल क्रिएट कर लिया है। कंटेंट, उसका जो कंटेंट है, कोई उसके कंटेंट पे रिव्यू दे रहा है, कोई उसके कंटेंट को कॉपी करके अपना कंटेंट बना रहा है, ऐसे करके कई ऐसे चैनल्स हैं जिनके 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं जस्ट मिस्टर बीस्ट की वजह से। तो ऐसे ही जब आप मार्केट रिसर्च करोगे और अलग अलग लोगों के कंटेंट पे जाओगे, तो उनके कंटेंट को रिसर्च करके हम नया कंटेंट क्रिएट करेंगे जो हमें फास्ट विन करने में मदद करेगा। स्ट्रेटजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। एंड उसके बाद हम उसको क्रिएट करेंगे, रिक्रिएट बोलेंगे उसको, ठीक है, रिक्रिएट। अब रिक्रिएट कैसे करेंगे, कौन से टूल की जरूरत पड़ेगी, किस तरह से करेंगे, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर रिक्रिएट एंड देन लास्ट में हम उसको क्या करेंगे, एंड देन लास्ट में हम उसको अपलोड करेंगे। क्या करेंगे, अपलोड, एंड लोगों को बुलाएंगे भाई कि आप हमारे यहां पर आओ और वीडियो को देखो और हमें पैसे दे के जाओ। ट्रस्ट मी, ये पूरा प्रोसेस हम ऐसे ही फॉलो करने वाले हैं। पूरी डीप में वीडियोस बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं। एंड आज की जो वीडियो में एक बड़ा सा लेसन जो मैंने बीच में दिया कि माइंडसेट, तो माइंडसेट इज द गेम गाइस। पावरफुल बनना है अगर लाइफ में, तो नॉलेज इकट्ठा करो, कोर्सेज से, ग्रुप से, जो फेसबुक के अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं, वेबिनार से, ब्लॉग से, वेबसाइट से, फ्री यूट्यूब वीडियोस से, हर कुछ आपको नॉलेज दे रही है, और उसको इम्प्लीमेंट करो और सब्र रखो। आप एक दिन में अमीर नहीं बनने वाले, राइट। हो सकता है आप 7 दिन में 30 दिन में $1,000 कमा लो, या $500 कमा लो, या $100 कमा लो, बट अगर वो कंसिस्टेंट नहीं कमा रहे हो तो आप नहीं कमा रहे हो। मान लो आपने एक साल में, फर्स्ट एक महीने में जब आपने कोई कोर्स किया या कोई ट्रिक आपको पता चली, आपने $1,000 कमा लिया, और अब उसके बाद आपने कुछ नहीं कमाया तो क्या होगा। तो एक साल में आपने $1,000 कमाया तो कौन सी बड़ी बात है, 10,000 5,000 तो जॉब्स में भी मिलता है, बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं, वो कर लेना, राइट। तो पैसा कंसिस्टेंट आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वो तब आएगा जब आप अपने ऊपर कुछ दिन काम करोगे। कुछ दिन यार, 30 दिन कर लो, 60 दिन कर लो, 90 दिन कर लो, 3 महीने। बड़ा आदमी बनना है ना, $1,000 पर महीने कमाना है ना, 50,000 रुपये अगर तुम इंडिया में रह के पर महीने ऑनलाइन कमा रहे हो ना, गेम चेंज हो जाता है। मैंने खुद इस चीज़ को फील किया है, गेम चेंज हो जाता है, लोगों का नज़रिया चेंज हो जाता है, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, राइट। आप में एक अलग से गेम दिखता है कि भाई ये बंदा, आप में अंदर कॉन्फिडेंस, ये मेरे में कॉन्फिडेंस है, मैं रोड में चल रहा हूँ, मुझे में कॉन्फिडेंस है कि मैं 50,000 रुपये कमाता हूँ। दूसरी दुनिया को छोड़ो, राइट, दूसरी दुनिया, दूसरे लोगों को छोड़ो यार, वो क्या सोच रहे हैं डजंट मैटर, आप क्या सोच रहे हो अपने बारे में, मैं 50,000 रुपये कमाता हूँ, आपका ऐसा एटीट्यूड है ना बैठने का, ऐसा हो जाएगा, मैं 50,000 रुपये कमाता हूँ महीने का। तो अपने एटीट्यूड के लिए काम करो, तो जब ये एटीट्यूड बनेगा तो आप 50 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमाने का सोचोगे आगे, ठीक है। तो आदमी बोलते हैं ना, आदमी रणभूमि में जीतने से पहले मनभूमि में जीतता है, सुने हो ना ये लाइन, कहीं ना कहीं सुने होगे, रणभूमि में जीतने से पहले मनभूमि में जीतना होता है। तो मनभूमि में पहले जीतो, माइंडसेट को चेंज करो, तभी रणभूमि में जीत पाओगे। ट्रस्ट मी गाइज, हो सकता है मैं आपको लग रहा होगा कि भाई आप क्या वीडियो में टाइम पास हो, नहीं टाइम पास नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं देखा हूँ माइंडसेट जीरो है, जब माइंडसेट आपका गोबर है और आप सोच रहे हो महीने के 50,000 1 लाख रुपये कमाएंगे, सॉरी थोड़ा सा गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट आपको समझाना जरूरी है।
अगर आपका माइंडसेट गोबर है तो आप नहीं कर सकते कुछ। मन भूमि में जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक यहां नहीं जीतोगे तब तक वहां नहीं जीत पाओगे। तो गाइज प्लीज प्लीज चेंज योर माइंडसेट, वर्क हियर। जब ये काम में लाओगे तब पावरफुल बनोगे, पैसे से भी और हर चीज से, जो चाहते हो वो कर पाओगे, राइट। एटीट्यूड गाइज, इस पर बहुत सारी स्टोरीज है, मैं नहीं चाहता इस वीडियो को लंबा खींचना, बट मैं आपको एक विनती करूंगा यार, चलो विनती करता हूँ, चेंज योर माइंड सेट, वर्क ऑन योर सेल्फ प्लीज। थैंक यू सो मच कि आपने ये वॉच किया। आप सब्सक्राइब करो या ना करो, बट हो सकता है आप गाली दे रहे हो कि मैंने आपका टाइम पास करा दिया, बट हो सकता है आपको लाइफ में ये काफ़ी काम आए जो चीज़ मैंने आज कही है आपके। और मे बी अगर आप इस फील्ड से होगे या एंटरप्रेन्योरशिप से होगे या वहाँ कुछ देखा होगा समझा होगा, तो 100% मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम माइंडसेट है। और जो मैंने आपको पूरा ये चीज़ बताई, प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ, चेंज योर सेल्फ, बी पेशेंस, काम यहाँ करो, रिजल्ट यहाँ दिखेगा, ट्रस्ट मी। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।